लेट्स टॉक अबाउट द वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री। जो वेस्ट में म्यूजिक इंडस्ट्री है वो मूवी इंडस्ट्री से इंडिपेंडेंट होती है। बहुत सारा पॉपुलर म्यूजिक जो हम सुनते हैं वो बैंड बेस्ड होता है। बैंड कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वेस्ट। ये जो बैंड्स हैं इसमें बहुत सारे बैंड्स गिटार बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो गिटारिस्ट होते हैं, जिनको हम सिंगर सॉन्ग राइटर्स बोलते हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर्म्स ऑल्सो जो कि गिटार के अराउंड ही बेस्ड हैं, जैसे कि कंट्री म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, मेटल म्यूजिक। सो होता क्या है, जब इन स्टाइल से सॉन्ग्स बनते हैं तो आपको गिटार क्लियरली सुनाई देता है सॉन्ग के अंदर। गिटार की स्ट्रमिंग आप इमीडिएटली सॉन्ग को सुन के फिगर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1960s या 70s का पॉप म्यूजिक उठाओ, मे बी टॉक ऑफ द बीटल्स, तो एक स्ट्रमिंग वहां पे आपको बहुत कॉमनली मिलेगी। लेट मी प्ले दैट फॉर यू। कई और कॉर्ड प्रोग्रेशंस में सेम फील, सेम वाइब आपको सुनाई देगी। और जो रिदम मैंने प्ले किया था, इट इज 1 2 एंड 4 एंड थर्ड बीट पे हमने सिंकोपेशन अप्लाई करी थी। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री। अगर हम क्लोजली एनालाइज करें तो इंडिया में जो हिंदी म्यूजिक है वो और जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि म्यूजिक इन इंडिया मींस बॉलीवुड म्यूजिक। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमारे बैंड कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं है मेन स्ट्रीम में। सारा अभी है, यू नेवर नो आगे चल के क्या होगा, बट राइट नाउ दैट सीन इज नॉट वेरी स्ट्रांग। सो जब म्यूजिक बनता है वो मूवीज के लिए बनता है, और मूवीज में म्यूजिक सिनेमैटिक होता है। आपको लार्जर देन लाइफ सिनेरियोस दिखाने होते हैं, जिसके अंदर जो म्यूजिक है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे लेयर्स होते हैं। गिटार्स, वायलेंस, चेलो, फ्लूट्स, अ लॉट ऑफ पर्कशंस, तो उसमें गिटार कहीं पे खो जाता है। सो आपको स्ट्रमिंग फिगर आउट करने के लिए गिटार स्ट्रमिंग तो नहीं सुनाई देगी इन मोर देन 90% ऑफ द म्यूजिक। हमें स्ट्रमिंग जो है वो एक इम्प्लाइड वाइब या इम्प्लाइड रिदम को कैच करना होगा अगर हमें स्ट्रमिंग फिगर आउट करनी है। हम पहले ट्राई करते हैं ड्रम्स को सुनने की, फिर परकशन को सुनने की, और फिर ओवरऑल सॉन्ग की वाइब को कैच करने की, जिससे कि हम उसकी स्ट्रमिंग फिगर आउट करें। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक में एक बीट होती है जिसको हम कहरवा बोलते हैं। ये प्राइमरली तबले पे प्ले की जाती है। इसको एक बार सुनते हैं जरा। कहरवा ट्रेडिशनल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक और इवन बहुत सारे बॉलीवुड म्यूजिक में भर भर के मिलेगी आपको। इसके साथ गिटार कैसे प्ले होता है, लेट्स सी दैट। यस, कैन यू हियर द सेम वाइब? वही बीट है, 1 2 एंड 4 एंड थर्ड बीट पे सिंकोपेशन। सो सेम रिदम जिसकी बात अभी हमने वेस्टर्न म्यूजिक में करी थी, वही इंडियन म्यूजिक में भी बहुत 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 कॉमन है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको मास्टर करें। इसको जब तक हम मास्टर नहीं करते हमें आगे नहीं बढ़ना। अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज गिटार प्लेयर्स जो कि डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके एक एडवांस प्लेयर बनना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच आउट फॉर द कॉन्टेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करते हैं। सो वॉच आउट फॉर ऑल द कॉन्टेंट। कीप द गुड म्यूजिक अलाइव। साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा, गिटार सीख।